जो आर्टिकल्स होते हैं वो होते हैं तीन, ए एन और द। ए एंड एन आर कॉल्ड इंडेफिनिट आर्टिकल। ए और एन जो होता है वो इंडेफिनिट होते हैं, और द जो होता है वो डेफिनिट होता है। मतलब हमें पता नहीं होता वो चीज कितनी है, क्या है, कौन सी है। जैसे हमने बात की ए बुक, तो बुक हमें पता नहीं है कौन सी है, तो आएगा ए। अब टेबल, एक सिंपल सी रखी है टेबल, हमें पता नहीं है कौन सी है, ठीक है। अब फ्लावर, ठीक है, तो आएगा ए या एन में से एक आएगा। और जब हम कहते हैं दिस इज अ फ्लावर और द फ्लावर हैड फाइव पेटल्स, तो अगर वो फिक्स हो गए जब हमें पता है, तो आएगा वो द फ्लावर। और जब तक हमें पता नहीं होता वो चीज क्या है, तब हम उसको यूज करते हैं ए और एन। तो अब बात ये आती है कि ए कहाँ पे यूज करना है और एन कहाँ पे यूज करना है। अब इसमें ये एक प्रॉब्लम आती है कि बच्चे यूज करते हैं ए और एन, ठीक है। ए और एन तो क्या है, इंडेफिनिट होता है, इंडेफिनिट, ठीक है। जो अनकाउंटेबल चीजें होती है उसके लिए हम यूज करते हैं। कैसे करते हैं वो मैं अभी बताऊंगा। जैसे हम कहे दिस इज अ गर्ल, हमें बताया कि एक लड़की है ना, तो हम इसको इंडेफिनिट बोल सकते हैं, इसको हम काउंट कर सकते हैं, ये काउंटेबल है। एक लड़की, एक मेज, एक कुर्सी, ठीक है। और अगर हम ये बोलते हैं द गर्ल हैज टू हैंड, ठीक है, उस लड़की के दो हाथ हैं, तो लड़की के दो हाथ हैं, यहाँ पे वो लड़की क्या हो गई, डेफिनेट हो गई है, उसका हमें पता लग गया कि कौन सी वो लड़की है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, द गर्ल है टू हैंड्स, यहाँ पे वो क्या हो गई, फिक्स हो गई, तो डेफिनेट आर्टिकल में आता है। अब इसमें ए कहाँ पे यूज होगा और एन कहाँ पे यूज होगा, ठीक है। जो भी वोवेंस होते हैं, वोवेंस होते हैं, उनके साथ में हम एन का यूज करते हैं, और जो भी कॉन्सोनेंट होते हैं उनके साथ में हम ए का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही होगा वोवेंस क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, ये तो सभी बच्चों को पता होगा। वोवेंस और कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको, ठीक है। फिर फिर भी मैं बता देता हूँ, वोवेंस जो होते हैं वो होते हैं ए ई आई ओ और यू, ये वोवेंस होते हैं। और जो बाकी जो बच गए वो होते हैं कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जितने भी बच गए बाकी के, बी सी डी एफ जी एच, ये सब बाकी जो बच गए वो होते हैं कॉन्सोनेंट। तो जो भी वोवेंस होते हैं उनके साथ में हम यूज करते हैं एन, और जो कॉन्सोनेंट के साथ में यूज करते हैं अ, ठीक है। तो ये तो एक सिंपल सा रूल है जो अभी तक आप लोग पढ़ते आए होंगे इसको, लेकिन इसमें ना कभी कभी चेंज भी हो जाता है, ज्यादातर तो यही होता है। जैसे मान लो ये है दिस इज एप्पल, दिस इज बॉय, तो यहाँ पे शुरू में हम देख लेंगे वोविल है या कॉन्सोनेंट है। अगर वोविल है तो ए ई आई ओ यू में से कोई वर्ड है तो इसके पहले एन आएगा, दिस इज एन एप्पल। और अगर यहाँ पे कॉन्सोनेंट है तो बी सी डी एफ जी एच में से अगर कुछ आएगा तो उसके पहले आएगा ए, ठीक है। तो ये तो हो गया वोविल और कॉन्सेप्ट का, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, आपको समझ में आना चाहिए। और इसमें कभी कभी कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, मतलब रूल कभी कभी चेंज भी हो जाता है, सबके लिए नहीं, और कभी कभी चेंज भी होता है। कैसे चेंज होता है वो मैं बताता हूँ।
जैसे दिस इज अ यूरोपियन बॉय, ठीक है, यूरोपियन है तो यहाँ पे एन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ए, या वी आर वेटिंग वेटिंग हिम फॉर हाफ एन आवर, हाफ एन आवर। अब यहाँ पे एन क्यों आ गया, एच तो कॉन्सोनेंट है लेकिन हमने क्या यूज कर दिया, एन यूज कर दिया, आपने भी यूज किया होगा हाफ एन आवर, है ना। और तो लेकिन यहाँ तो एच है, एच तो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है तो ए आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, एन का यूज हो गया है। तो अब बहुत कंफ्यूजन हो गया है, कहाँ पे ए यूज करे, कहाँ पे एन यूज करे, इसका क्या फॉर्मूला है। इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि आप लोग इसमें जो हिंदी की जो मात्राएं होती है आ से लेके आ आ ई ई उ उ ए ए ओ ओ, इन सब के लिए हिंदी में इन सब के लिए हम एन यूज करते हैं इंग्लिश में। कैसे, मान लो दिस इज अम्ब्रेला, ठीक है, दिस इज अम्ब्रेला, तो यहाँ पे यू, यहाँ पे हमने क्या बोला, अम्ब्रेला, हिंदी में क्या बोला, अम्ब्रेला। तो इनके पहले हम क्या लगाते हैं, एन, इनके पहले जो ये हिंदी के वोवेल है इनको मैंने लगाते हैं एन, तो अम्ब्रेला का बोल रहा है अ अम्ब्रेला, तो यहाँ पे एन आएगा। तो ये हिंदी वाला कॉन्सेप्ट है, अगर आपने इसको भी प्रैक्टिस कर ली तो इससे आपको भी गड़बड़ नहीं होगी। और हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे जैसे दिस इज बॉय, तो बी यहाँ से बा बोल रहा है, बा क्या है, बा जो है बा उसमें आता है, मात्रा में नहीं आता, व्यंजन में आता है, तो इसमें आएगा ए, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको ध्यान रखोगे तो गलती नहीं होगी। तो ये तो आपकी बात हो गई ए और एन कहाँ पे यूज होगा। अब बात करते हैं द की। द वर्ड द इज द कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल बिकॉज इट पॉइंट आउट सम पर्टिकल, ये किसी चीज की तरफ इशारा करता है, बताता है वो चीज क्या है। जैसे ही सॉ द डॉक्टर, उसने डॉक्टर को देखा, मतलब वो डॉक्टर की तरफ को इशारा करके बता रहा है वो डॉक्टर है, दैट इज मतलब वो फिक्स है, ही सॉ द डॉक्टर। वी ही वांट्स द बुक, मतलब उसको वो बुक चाहिए, वो वाली बुक, उसकी तरफ को क्या कर रहा है, इशारा करके बता रहा है। और कुछ एग्जाम्पल है, द पोस्टमैन इज कमिंग, पोस्टमैन आ रहा है, तो वो हम लोग जानते हैं उसको कि वो पोस्टमैन है, पहले से हमें फिक्स है, वो डेफिनेट हो गया, फिक्स हो गया कि वो क्या है, पोस्टमैन है, वो फिक्स हो गया, डेफिनेट हो गया, हमें पता है कि वो पोस्टमैन है। अगर हम बोलते हैं एक आदमी आ रहा है, वन मैन इज कमिंग, या दिस इज ए मैन, ठीक है, दिस इज ए मैन, एक आदमी, पता नहीं कौन है वो आदमी, तो क्या आएगा, ए, हमने ए लगा दिया क्योंकि इनडेफिनेट हो गया। वही हमने पोस्टमैन है, हमें पता है डॉक्टर है, तो तब क्या हमने उसमें यूज कर दिया, द यूज कर दिया। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, अगर वो इनडेफिनिट है तब आएगा ए या एन, और डेफिनेट है तब आएगा द। अब जैसे है, लेट्स गो टू द पार्क, चलो पार्क में चलते हैं। ये कौन है जो माइक ऑन रख रहा है, माइक अपना बेटा बंद कीजिए। लेट्स गो टू द पार्क, चलिए पार्क में चलते हैं। तो पार्क में हम क्या डेली जाते हैं ना, जो लोग घूमने के लिए जाते हैं उन्हें पता है कौन सा पार्क है, फिक्स डेफिनेट हो गया वो, तो क्या है, यहाँ पे हमने द का यूज किया है। तो ऐसी चीज जहाँ पे डेफिनेट है, जहाँ पे फिक्स है, जहाँ पे हमें पता है कौन सी चीज है, वो वहां पे हम द का यूज करेंगे। अगर हम बोले देर इज ए पार्क नियर नियर स्कूल, अब पता नहीं देर इज ए पार्क, अब पता नहीं कौन सा पार्क है, तब आएगा ए, जहां पे हम लेकिन डेली घूमने जाते हमें पता है, तब आएगा द। एक और चीज, द जनरल रूल स्टेट दैट द फर्स्ट मेंशन ऑफ अ नाउन इज इंडेफिनिट, जो पहला जो सेंटेंस स्टार्ट होता है उसमें ज्यादातर ए इंडेफिनिट यूज होता है। जैसे अ गर्ल इज वर्किंग ऑन द स्ट्रीट, एक लड़की गली में जा रही है,
तो अब वो लड़की जो है पता नहीं कौन है, कोई भी हो सकती है, तो क्या कर देंगे हम, ए यूज करेंगे। लेकिन जब हमने कहा, जब वो दोबारा से वो लड़की का यूज हुआ है द गर्ल, तब वो द का यूज होगा, द गर्ल इज अलोन, लड़की अकेली है। तो वो दोबारा से अब उस लड़की की बात कर रहे हैं, अब हम उस लड़की का पता है उसकी दूसरी बात कर रहे हैं, तब वो द का यूज करेंगे। पहली बार हमें पता नहीं कौन है, लेकिन दूसरी बार हमने फिर उसकी बात की, हमें हमें पता लग गया लड़की अकेली जा रही है, तो द का यूज हो गया। तो पहली बार में जब हम किसी का यूज करते हैं तो ए या एन का यूज होगा, बाद में जब उसको हमारे जान पहचान होगा, उस वर्ड को हम जानेंगे, तब हम द का यूज करेंगे। अच्छा, यूज द रेफर टू द पीपल ऑब्जेक्ट दैट आर यूनिक, जो कि यूनिक वर्ड, जो यूनिक चीजें होती हैं, जो बस एक ही है, तो उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, द यूज करते हैं। जैसे द सन रोज एट 6:17 इन द दिस मॉर्निंग, सन एक ही है पूरी दुनिया में, तो उसके लिए हम द यूज करेंगे। अर्थ एक ही है, तो उसके लिए वी यूज द अर्थ, द मून, कभी भी ए यूज नहीं करेंगे, ए अर्थ ए मून। यू कैन गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में आप कहीं भी जा सकते हो, जहाँ पे भी आपको, यहाँ तो वर्ल्ड एक ही है, तो यहाँ पे क्या होगा, यूनिक चीज हो गई, तो हमने द का यूज किया है। यूज द बिफोर सुपरलेटिव डिग्री एंड ऑर्डिनल नंबर, तो सुपरलेटिव डिग्री होती है, मैंने तुम्हें डिग्री बताई थी, जिसके बाद में ई एस टी लगा होता है, उससे पहले द का यूज होता है। तो द टॉलेस्ट, द फास्टेस्ट, द फैटेस्ट, द क्लेवेस्ट, ठीक है, जिसके बाद में ई एस टी का यूज होता है, उसके पहले हम द का यूज करते हैं, जो नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। द ब्रेवेस्ट, जो भी सबसे तेज है, फास्टर फास्टेस्ट, फास्ट फास्टर फास्टेस्ट, ई एस टी आ गया, तो उसके पहले हम द का यूज करेंगे। या शी इज राइटिंग द लास्ट चैप्टर, वो लास्ट चैप्टर पढ़ रही है, तो चैप्टर का हमें फिक्स होगा कौन सा चैप्टर है, तो द आएगा फिर। जो भी कंट्रीज है, जो प्लूरल नेम नंबर है, अच्छा ये कर लो पहले, जब भी ग्रुप ऑफ पीपल आएंगे, बहुत सारे लोग एक जगह आएंगे, ग्रुप ऑफ पीपल, तो उसमें हम क्या करेंगे, द का यूज करेंगे, द इंडियंस, ठीक है। She has given a lot of money to the poor. Poor गरीब हो गए, बहुत सारे लोग हो गए, तो the poor. Use the with the names of geographical area, river, mountain, ranges, groups of Iceland, canals, और ocean के पहले जिनका यूज करेंगे द, जैसे द गंगा, द रॉकी माउंटेन, कंट्रीज से पहले जिनके जो कि पुलो नंबर में, जैसे नीदरलैंड्स, फिलीपींस। यूज द कंट्री विच इंक्लूड द वर्ड, जिसमें रिपब्लिक आएगा, किंगडम आएगा या स्टेट आएगा, उनमें भी हम क्या यूज करेंगे, द का यूज करेंगे, जैसे द यूनाइटेड स्टेट, द यूनाइटेड स्टेट। यूज द विद द कंट्री दैट इंक्लूड द वर्ड, ओके। यूज द न्यूज पेपर के नाम के साथ भी हम द का यूज करेंगे, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है। तो समझ में आया बच्चे, हाँ, तो